एक शेरनी पर दो दो बब्बर शेरों ने हमला बोल दिया है। थोड़ी देर में तीसरा बब्बर शेर भी पहुंच जाता है और फिर शेरनी ने वहां से भागने में जरा भी देर नहीं लगा। तीन तीन बब्बर शेरों की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। जंगल में शेरों के कुर्मे ने बड़े शिकार पर हाथ साफ किया। शिकार इतना बड़ा था कि कई दिनों तक पूरे परिवार की भूख मिटा रहा था। कुर्मे में शामिल शावक भी शिकार का मजा ले रहे थे। और तभी वो हुआ जिसने पूरे जंगल की फिजा को दहला दिया। शांत माहौल में अचानक एक शेर भी पहुंच। घुसपैठिया शेरनी को देखते ही एक शावक तेजी के साथ उसकी तरफ जाने लगा और नदी के किनारे पर आकर ठहर गया। अपने बच्चे को आगे बढ़ता देख शेरनी भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरअसल ये नन्हा शेर अभी जंगल के दस्तूर और खतरों से वाकिफ नहीं था। तभी तो बिना कुछ सोचे समझे इस अनजान शेरनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है। अपने बच्चे को आगे बढ़ता देख शेरनी तुरंत चौकस हो गई और उसके कदम अपने बच्चे के पीछे पीछे बढ़ने लगे। तभी घुसपैठिया शेरनी नदी को पार कर उस पार पहुंच गए। अब वो शेरनी के बच्चे के पास पहुंच चुकी थी। इधर नन्हे शेर की माँ भी पहुंच चुकी थी और वो घुसपैठिया शेरनी के इरादों को शायद भांप चुकी थी। और जैसे ही घुसपैठिया शेरनी का जबड़ा शावक की तरफ जाता नजर आया, शावक की माँ ने उस पर जोरदार हमला बोल दिया। बस फिर क्या था, जंगल में कोहराम ही मच गया। जैसे ही शेरों को भनक लगी कि उसके कुनबे के बच्चे पर घुसपैठिया शेरनी की नजर, सबने मिलकर शेरनी पर हमला बोल दिया। पहले दो दो बब्बर शेर खूंखार तरीके से टूट पड़े और फिर आवाज सुनकर तीसरा बब्बर शेर भी घुसपैठिया शेरनी की तरफ दौड़ा चला। जोरदार हमले को देखते हुए शेरनी ने मौके से भागने में जरा भी देर नहीं की। जंगल में जानवर के छोटे बच्चों को दूसरे जानवरों से काफी खतरा होता है,